हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो गाड़ी लेके आया हूँ फ्रेम में, ये लेके आया हूँ जी i20 लवर्स के लिए, हुंडई की i20। ये आई है जी 2023 फेसलिफ्ट में। ये वेरिएंट जो आज आपको दिखा रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ जी मैग्ना। मैंने अपने चैनल पे पहले ऑलरेडी N-Line भी दिखा दिया, स्पोर्ट्स भी दिखा दिया और एस्टा टॉप वेरियंट भी दिखा दिया है। तो आज लेके आया हूँ जी मैग्ना। बहुत ही अच्छी गाड़ी है ये, स्पोर्टी लुक में आई है गाड़ी, बहुत सुंदर लग रही है। अगर इसके इंजन की बात करें तो ये है जी 1.2 लीटर पेट्रोल में। और इसकी पावर की बात कर लेते हैं, मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ। इसका जो इंजन है 1.2 लीटर पेट्रोल में है और बहुत ही अच्छा रिफाइंड इंजन है। इसकी जो पावर जनरेट करता है इंजन, वो करता है जी 83 BHP की, और जो टॉर्क प्रोड्यूस करता है वो करता है 115 Nm की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इंजन की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं, कवरिंग वगैरह कुछ नहीं आती है। ऊपर बोनेट पे भी आपको इंसुलेशन वगैरह नहीं मिलेगी। पेट्रोल गाड़ी है, बहुत ही अच्छा इसका इंजन है, काफ़ी रिफाइंड है। तो फ्रंट प्रोफाइल से दिखा देता हूँ आपको गाड़ी। जो फ्रंट प्रोफाइल में सेंटर में आपको मिल जाएगा सैटिन ग्रे में बड़ा सा हुंडई का लोगो। नीचे आपको ग्रिल मिलेगी, ये आपको मिलेगी पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगी। यहाँ पे नंबर प्लेट प्लेसमेंट मिल जाएगी आपको। हेडलाइट्स की बात कर लेते हैं तो हेडलाइट्स आपको मिलेंगी हेलोजन बल्ब में, मिलेंगी आपको हेलोजन में। और नीचे यहाँ पे आपको फॉग लैंप्स कंपनी बंद कर दिया है कंपनी ने लगाना, क्योंकि आजकल DRL चल रही है, ये वाइट कलर्स में आती है, इनका थ्रो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको DRL मिलेगी, बहुत ही स्मार्ट सा डिज़ाइन बनाया इन्होंने। और यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश में ये वाला सेक्शन मिल जाएगा। नीचे आपको स्किड प्लेट जो मिलेगी, ये आपको सिल्वर में मिलेगी। और एयर कटिंग के लिए जो आपको ग्रिल मिल रही है, ये भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ही मिलेगी। बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही है गाड़ी पहले वाली से। और यहाँ पे आपको टो हुक मिल जाएगी। तो साइड प्रोफाइल से दिखा देता हूँ आपको गाड़ी, बहुत ही अच्छी लग रही है। ये वाली क्रीज पर्टिकुलर बहुत ही अच्छी लग रही है मेरे को। तो टायर सेक्शन की बात कर लेते हैं तो टायर सेक्शन जो आपको मिलेगा, ये मिलेगा आपको 185/65R और 15 इंच का आपको स्टील रिम मिलेगा, ब्लैक कलर में मिलेगा। और आपको व्हील कवर्स जो मिलेंगे, ये आपको ब्लैक कलर में ही मिलेंगे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हुंडई का लोगो मिल जाएगा यहाँ पे, क्लैडिंग i20 में आती नहीं है। और फेंडर पे मिल जाएगा आपको टर्न इंडिकेटर। जो ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 170 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है। ORVMs आपको बॉडी कलर में मिल रहे हैं, इसमें टर्न इंडिकेटर नहीं आता है। नीचे वाला पोर्शन आपको रेड ब्लैक में मिलेगा। फ्रंट ए पिलर आपको मिलेगा बॉडी कलर में, और बी पिलर मिलेगा आपको ब्लैक टेप आउट में मिलेगा। सिल्वर गार्निश नहीं मिलेगी इसमें, आपको ब्लैक कलर में ही मिलेगी ये मोल्डिंग। डोर हैंडल्स की बात कर लेते हैं तो डोर हैंडल्स जो मिलेंगे, ये आपको बॉडी कलर में मिलेंगे। और रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलेगा। तो की इसमें जो मिलेगी आपको, एक तो स्टैंडर्ड मिलेगी और दूसरी आपको मिलेगी फ्लिप वाली। इस तरफ हुंडई का लोगो आ जाएगा, लॉक अनलॉक का बटन आ जाएगा, और यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से रहने वाली है इसकी की। और फ्रंट में आपको मिलेंगी डिस्क ब्रेक्स, और रेयर में आपको मिलेंगी ड्रम ब्रेक्स। तो रेयर प्रोफाइल से आपको दिखा देता हूँ गाड़ी, बहुत ही अच्छी लग रही है। वैसे कोई मेजर इन्होंने बैक में कुछ भी चेंज नहीं करा है। ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा बॉडी कलर में। हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाएगा। डीफॉगर इस वेरिएंट में नहीं मिलेगा, वाइपर भी नहीं मिलेगा। सेंटर में आपको मिल जाएगा सैटिन ग्रे में लोगो मिल जाएगा हुंडई का। और ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं, ये आपको मिलेगा ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश में। और यहाँ पे भी आपको क्वार्टर पैनल पे आपको क्लैडिंग मिल जाएगी, ये आपको थोड़ी स्पोर्टी लुक में मिलेगी। टेल लाइट्स की बात कर लेते हैं तो टेल लाइट्स आपको जो मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी हेलोजन बल्ब में। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिल जाएगा, ये आपको बल्ब में मिलेगा हेलोजन में। और यहाँ पे आपको रिवर्स लाइट मिलेगी, ये आपको मिलेगी बल्ब में ही मिलेगी। कनेक्टिंग लाइट आपको नहीं मिल रही, आजकल काफ़ी ट्रेंड में है। वैसे और जो ओरिजिन हुआ है इसका कनेक्टिंग लाइट का, ये हुंडई ने ही शुरू करा है। सबसे पहले ये वेन्यू में लेके आए थे और काफ़ी अच्छा रहा है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे, कनेक्टिंग लाइट नहीं है। रेयर बम्पर की बात कर लेते हैं तो रेयर बम्पर आपको 3 टोन्स में मिलेगा, 3 कलर्स में मिलेगा। ऊपर आपको बॉडी कलर वाइट कलर मिलेगा, नीचे सेंटर में आपको ग्लॉसी ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाएगी, और नीचे आपको स्किड प्लेट मिलेगी, ये आपको मिलेगी सिल्वर में, काफ़ी स्पोर्टी लुक में मिलेगी। बोथ साइड आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे, 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। रिवर्स कैमरा इसमें नहीं मिलेगा, और इस साइड आपको वेरिएंट की बैजिंग भी नहीं मिलेगी। इस साइड आपको मिल जाएगी i20 की बैजिंग। बहुत ही अच्छी गाड़ी है, ये स्पोर्टी है, बहुत अच्छी गाड़ी, मतलब इसका रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। और अब आपको दिखाता हूँ जी इसका मैं आपको इंटीरियर। इंटीरियर जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा बहुत ही अच्छा, मतलब देखिए आई कैचिंग कलर है इसके, ब्लैक और लाइट ग्रे कलर में आपको इसका इंटीरियर मिलेगा। डोर पैनल से शुरू कर लेते हैं तो डोर पैनल जो आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा, ड्यूल कलर में मिल रहा है। सब
हार्ड प्लास्टिक ही यूज है, कोई भी सॉफ्ट फैब्रिक वगैरह या लेदर की इसमें कोई भी यूजेज नहीं है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा डोर ओपनर, ये आपको मिलेगा ग्लॉसी ग्रे कलर में मिलेगा, पावर विंडो के स्विचेज आ जाएंगे, सेंट्रल लॉकिंग आ जाएगी और यहाँ पे आपको ओआरवी कंट्रोल्स मिल जाएंगे, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर पाएंगे, वो आप मैनुअली कर पाएंगे। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, नीचे यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर आ जाएगा और इधर आपको स्टोरेज मिल जाएगी। स्पीकर यहाँ पे प्लेस करें, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको कंपनी 6 स्पीकर्स प्रोवाइड करवा रही है, 6 स्पीकर्स और करवा रही है, लेकिन 4 स्पीकर्स 2 ट्वीटर्स के कॉम्बिनेशन के साथ। तो सीट्स आपको जो मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी फैब्रिक में, ये भी आपको ड्यूल कलर में ही मिलेंगी, ग्रे और ब्लैक के कंसेप्ट में मिलेंगी, बहुत ही अच्छा फैब्रिक यूज़ करा है। हाइट एडजस्टमेंट इसमें आपको नहीं मिल रही है, ड्राइवर साइड इस वेरिएंट में नहीं मिल रही है, क्योंकि ये बेस मॉडल से अपर वेरिएंट है थोड़ा, इसलिए इसमें कुछ फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे। स्टेयरिंग व्हील दिखा देता हूँ आपको, ये आपको मिलेगा डी कट में मिलेगा, आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है डी कट का जो स्टेयरिंग है, हर गाड़ी में मोस्टली आ ही रहा है, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सिल्वर इंसर्ट्स मिल जाएंगे यहाँ पे, सेंटर में आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा, इस साइड आपको मिल जाएंगे MID कंट्रोल्स और इस साइड आपको मिल जाएंगे मीडिया कंट्रोल्स, वॉइस कमांड आ जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मिल जाएगी हेडलाइट की टॉगल और इसमें आपको ऑटो हेडलैम्प्स की ऑप्शन मिल रही है, और यहाँ पे आपको वाइपर की टॉगल मिल जाएगी। इसका स्टेयरिंग जो है ये आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक की ऑप्शन नहीं दी है कंपनी ने। इस साइड आपको मिल जाएगा AC वेंट और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन मिल जाएगा, इग्निशन ऑन ऑफ का बटन मिल जाएगा, स्मार्ट का जो रेड लाइट पे ऑटोमेटिकली कार बंद हो जाती है, और यहाँ पे हेडलाइट लेवलर मिल जाएगा, नीचे आपको ABC पेडल्स मिल जाएंगे और वहाँ पे आपको मिल जाएगा डेड पेडल। तो इग्निशन ऑन करके दिखा देता हूँ मैं आपको, इसका क्लस्टर जो आपको मिल रहा है ये आपको मिल रहा है जी फुली डिजिटल में, देखिए कितना अच्छा मिल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेफ्ट साइड पे आपको मिल रहा है स्पीडोमीटर और राइट साइड पे आपको मिल रहा है RPM मीटर, और सेंटर में आपको छोटी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे MID में मिल जाएगी, ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से वर्क कर रही है। डैशबोर्ड जो मिल रहा है आपको हार्ड प्लास्टिक में मिल रहा है, ड्यूल शेड में मिल रहा है ये, और सेंटर में आपको मिल रहा है इन्फोटेनमेंट सिस्टम, ये आपको मिलेगी, टच स्क्रीन मिलेगी 8 इंच की, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो सपोर्ट करती है इसमें, और यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, सेंटर में हैजर्ड लाइट का बटन आ जाएगा। AC के जो मिलेंगे आपको नॉब्स, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं प्रोवाइड करवा रही कंपनी, तो AC के नॉब्स आपको मैनुअल में मिल जाएंगे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ करा है कंपनी ने, और यहाँ पे आपको लाइनिंग देख सकते हैं, ये डिज़ाइनिंग बहुत ही अच्छी लग रही है, और यहाँ पे ग्लव बॉक्स मिल जाएगा, डिसेंट स्टोरेज के साथ मिलेगा, इसमें आपको एयर कूल्ड की ऑप्शन नहीं दी गई है, यहाँ पे सी पोर्ट आ जाएगा, यहाँ पे USB आ जाएगी और 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिल जाएगी स्टोरेज, काफ़ी अच्छी मिल रही है स्टोरेज, यहाँ पे गियर नॉब मिल जाएगी आपको, ये आपको मिलेगी लेदर रैप में, और यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाएंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक आ जाएगी, ऊपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा ग्रैब हैंडल और सन वॉइज़र मिल जाएगा आपको वैनिटी मिरर के साथ, ड्राइवर साइड आपको मिलेगा सन वॉइज़र टिकट होल्डर के साथ, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सन ग्लास होल्डर और कैबिन लाइट्स मिल जाएंगी, ये आपको मिलेगी हेलोजन में। IRVM जो मिलेगा ये आपको मिलेगा मैनुअल, एडजस्ट कर सकते हैं, ऑटो डिमर वगैरह नहीं मिलेगा, और इस वेरिएंट में आपको मिल रहा है आर्मरेस्ट, ये स्लाइडिंग में तो नहीं है, ये आपको स्टोरेज मिल जाएगी, और डैशबोर्ड की कुछ लुक इस तरह से आ रही है। सेफ्टी की बात करें तो सेफ्टी इसमें कंपनी जो प्रोवाइड करवा रही है 6 एयरबैग्स प्रोवाइड करवा रही है, बहुत ही अच्छा फीचर है ये, जो बेसिक नीड है आजकल सेफ्टी का, तो इसमें कंपनी ने स्टैंडर्ड ही कर दिया है, चाहे आप टॉप वेरिएंट ले रहे हैं चाहे आप बेस वेरिएंट ले रहे हैं, उसमें आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो अब आपको दिखाता हूँ जी मैं इसका रियर सीट, चलते हैं पीछे, तो डोर पैड से शुरू कर लेते हैं। तो डोर पैड जो आपको मिलेगा ये आपको मिलेगा ड्यूल शेड में और लाइट ग्रे और ब्लैक के कंसेप्ट में ही मिलेगा, यहाँ पे आपको डोर ओपनर मिल जाएगा ग्लॉसी ग्रे में मिलेगा, ये ग्लास अप डाउन का कंट्रोल आ जाएगा, ग्रैब हैंडल आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा बॉटल होल्डर और यहाँ पे स्पीकर प्लेस कराए। तो सीट्स जो इसमें मिल रही हैं आपको 60-40 स्प्लिट में नहीं मिल रही हैं, ये आपको बेंच फोल्ड में ही मिलेंगी, हेडरेस्ट आपको इंटीग्रेटेड ही मिलेंगे, पहले वाली i20 में हाइट एडजस्ट हो सकती थी लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दी है कंपनी ने। और जो सेंटर में आपको मिल जाएंगे ये आपको 2 AC वेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे मोबाइल वगैरह रखने की स्पेस मिल जाएगी और नीचे यहाँ पे आपको सॉकेट मिल जाएगा, ग्रैब हैंडल मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा फोल्डेबल में मिलेगा, और कैबिन लाइट मिल जाएगी, ये भी आपको
हेलोजन में ही मिलेगी। देखिए जो इसका कलर कॉन्सेप्ट है उससे गाड़ी काफ़ी बड़ी बड़ी सी लग रही है, अंदर से देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी लग रही है। रूफ देखिए ये भी आपको लाइट ग्रे कलर में ही मिलेगी। तो अब आपको मैं इसका बूट स्पेस दिखा देता हूँ। बूट स्पेस जो कंपनी इसमें प्रोवाइड करवा रही है, ये करवा रही है जी 311 लीटर्स का। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा और स्पेयर व्हील जो मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा स्टील रिम में मिलेगा, लेकिन ये 14 इंच में मिलेगा, टूल्स के साथ मिलेगा। और इसमें आपको पार्सल ट्रे वगैरह नहीं मिल रही है, यहाँ पे हुक मिल जाएगी। और इसकी बिल्ड क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, देखिए ये आपको मोस्टली का जो अदर कंपनीज हैं वो आपको कुछ इस मटेरियल में प्रोवाइड करवाती है, लेकिन यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक लगा हुआ है। ये देखिए बिल्ड क्वालिटी, और यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं आप, देखिए कितना अच्छा मतलब लग रहा है ये। और यहाँ ऊपर आपको मिल जाएगा ग्रैब हैंडल टेल गेट बंद करने के लिए। तो गाइज i20 जो आती है ये आती है जी 5 वेरिएंट्स में आती है। एरा आता है, मैग्ना आता है, स्पोर्ट्स आता है, एस्ता आता है, और एस्ता ऑप्शनल आता है। तो ये आप जो पर्टिकुलर वेरिएंट देख रहे हैं ये आपको मैंने दिखाया है जी मैग्ना। इसकी अगर प्राइसिंग की बात करें तो ये इसकी एक्स शोरूम प्राइस है 7,69,900। और आपको बता दूं ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। आप इसमें ऑल्ट्रेशन मॉडिफिकेशंस आफ्टर मार्केट इसमें एक्सेसरीज वगैरह लगा सकते हैं जो आपको मिसिंग लग रही है, जैसे कि अलॉय व्हील वगैरह इसमें कंपनी प्रोवाइड नहीं करवा रही है, आप आफ्टर मार्केट या कंपनी से ले सकते हैं। और मैं आज खड़ा हूँ जी करिश्मा हुंडई में, और अगर आप बेस्ट डील्स एक्साइटिंग ऑफर्स लेना चाहते हैं, गाड़ी जल्दी लेना चाहते हैं, तो आप इस इधर चंडीगढ़ में करिश्मा हुंडई पे आएँ और यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। और एक बात बता दूँ, प्लीज़ आप जब भी गाड़ी चलाएँ प्लीज़ कृपया सीट बेल्ट लगा के चलाएं, सेफ्टी मेजर्स प्रॉपर लें गाड़ी चलाते वक्त। वीडियो कैसे लगी आपको ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।